वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे अदानी ग्रुप को लेके, जो अपना सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेटअप करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें दुनिया में सेमीकंडक्टर एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मगर इंडिया जो है थोड़ा सा पीछे रह गया। क्योंकि जो लोग फर्स्ट मूवर से लाइक ताइवान, ऐसे जो कंट्रीज है, ये कंट्रीज बहुत पहले ही बहुत तरक्की कर लिया है। ऑन द अदर साइड इंडिया भी चाहता है कि भाई सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में हम लोग का भी नाम आए, इसलिए इंडिया ने अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट के तरफ से जो है इंसेंटिव ऑलरेडी अनाउंस है। और प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें टाटा ने अपने तरफ से अपना जो सेटअप है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है गुजरात में ढोलेराव में। टाटा का ये जो प्लांट है ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान का कंपनी है पावर चिप मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के बीच में। इस प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 50,000 वेफर्स पर मंथ। इस प्लांट में जो प्रोडक्ट बनेगा उनमें आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट चिप, डिस्प्ले ड्राइवर्स, पावर मैनेजमेंट चिप्स और माइक्रो कंट्रोलर, ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ बनने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट आपका आएगा राउंड अबाउट 91,000 करोड़ इंडियन नेशनल रुपी। तो जो फर्स्ट मूवर है वो तो आपको पता ही चल गया, वो टाटा है। वो ऑलरेडी बहुत दिन पहले ही अनाउंस हो गया था जो कि गुजरात में प्लांट बनने वाला है। ऑन द अदर साइड सेकेंड मूवर कौन है? सेकेंड मूवर नो डाउट अदानी है। अदानी ग्रुप अपने तरफ से इसराइल का एक फार्म है टावर सेमी कंडक्टर बोल के, उनके साथ मिल के महाराष्ट्र के तलोजा जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ अपना प्लांट जो है वो सेटअप करने वाला है। अदानी ग्रुप अपने तरफ से इस प्रोजेक्ट में ₹83.947 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। ऑन द अदर साइड महाराष्ट्र के जो कैबिनेट पैनल है उस कैबिनेट पैनल में ये प्रोजेक्ट को ऑलरेडी अप्रूवल मिल गया है। महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी सीएम है देवेंद्र फर्नांडिस, वो अपने तरफ से ये प्रोजेक्ट को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के लिए खुशखबरी है। महाराष्ट्र में राउंड अबाउट ₹1,20,220 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इस अमाउंट में और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट ऐड है, जिसमें अगर आप वॉक्स वागन को ले ले या फिर टोयोटा को ले ले, वो लोग भी अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट करेगा, मगर वो लोग जो इन्वेस्ट करेगा वो दूसरा प्रोजेक्ट है। और मेनली जो फोकस्ड प्रोजेक्ट है अभी वहाँ वो है ये सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट जो अदानी ग्रुप अपने साथ टावर ग्रुप के साथ मिलकर बना रहा है। अगर आप कैपेसिटी के बारे में जानना चाहे तो ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का इनिशियल पार्ट में जो कैपेसिटी होगा वो है आपका 40,000 वेफर्स पर मंथ। ऑन द अदर साइड इसका जब सेकेंड फेज में इन्वेस्ट किया जाएगा, जब सेकेंड फेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये जो प्रोडक्शन है ये आपका 80,000 वेफर्स पर मंथ हो जाएगा। टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ये आपका दो फेज में किया जाएगा। फर्स्ट फेज में ₹58,760 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और सेकेंड फेज में ₹25,180 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हम लोग ये इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करें टाटा के प्रोजेक्ट के साथ तो हम लोग को पता चलता है इस प्रोजेक्ट में राउंड अबाउट आपका $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। ऑन द अदर साइड टाटा का जो प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है उसमें आपका राउंड अबाउट $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। तो अब बात करते हैं अप्रूवल का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी उन लोगों का अप्रूवल मिल गया है। ऑन द अदर साइड अदानी ग्रुप और टावर सेमीकंडक्टर ने अपने तरफ से एक जॉइंट प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है और ये जो प्रपोजल है ये प्रपोजल वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उनको सबमिट किया है और आईटी इंडस्ट्री को भी, क्योंकि वो लोग अपने तरफ से इसको देखेगा और उसके बाद जब अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद जाके काम शुरू हो पाएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया जाएगा उसका। तो ये सब सुनने के बाद आप बोल ही सकते हो कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने का क्या ज़रूरत है, ये तो कम्प्लीटली स्टेट का बात है। आज के डेट में अगर देखा जाए कोई भी अगर चाहे तो अपने तरफ से कोई भी स्टेट में अगर स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाता है तो अपने तरफ से वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। ऑन द अदर साइड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो 50% सब्सिडी के बारे में बात किया गया है वो जो सब्सिडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसके वजह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलना बहुत ज़रूरत है। लास्ट में अगर हम लोग देखें राउंड अबाउट 5 जो कंपनीज है उन लोगों को ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे के रखा है, जिसमें एक है आपका टाटा का गुजरात का प्रोजेक्ट। ऑन द अदर साइड अगर इसको भी अप्रूवल मिल जाता है तो ये 6th कंपनी होगा जो कि आगे जाके सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट में काम करेगा इंडिया में। तो ये सब सुन के आप बोल ही सकते हो कि भैया इतना 50% तक सब्सिडी मिल जाएगा तो गवर्नमेंट कितना मतलब एक ह्यूज अमाउंट तो स्पेंड कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अपने तरफ से एक ह्यूज अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं और अगर हम लोग के कंट्री में हम लोग 50% दे रहे हैं तो अगर आप US में देखें या फिर दूसरा जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ जाके अगर आप देखें तो वहाँ आपको देखेगा कि ये जो परसेंटेज है ये और भी ज़्यादा है और उन लोगों का जो गवर्नमेंट है वो लोग और भी ज़्यादा टाइप ऑफ जो कंपनीज है जो लोग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ जो बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से जो फर्स्ट फेज उन लोगों का इंसेंटिव स्कीम था वो आपका लगभग आपका $10 बिलियन के आसपास था और बहुत जल्दी इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से इसका सेकेंड फेज भी लॉन्च कर सकता है,
जिसमें ये जो अमाउंट है ये बढ़ा के आपका $15 बिलियन तक भी किया जाएगा। आज के डेट में अगर हम लोग डेवलप कंट्री जैसे मैंने आपको कहा US को देखें, तो वो लोग अपनी तरफ से एक ह्यूज अमाउंट राउंड अबाउट आपका $50 बिलियन भी वो लोग अपने तरफ से स्पेंड कर सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई आप आओ हम लोग के कंट्री में, हम लोग के कंट्री में, हम लोग का कंट्री के तरफ से किसी के साथ मिलकर आप ये जो सेमी कंडक्टर है ये प्रोडक्शन करो, क्योंकि यही फ्यूचर है। और हर किसी को यह बात पता चल गया है, इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा देर से पता चला मगर फिर भी पता चला, और इसके वजह से ही प्रेजेंटली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट जो कंपनीज है जो लोग सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करते हैं वो लोग इंडिया में आके सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करें, जिससे इंडियन गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी है उसमें भी हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ कंट्री जो है वो बहुत जल्दी तरक्की करेगा। तो अब आते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। प्रेजेंटली टाटा का जो गुजरात में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनने वाला है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगा वो आपका 40 nm मतलब 40 नैनोमीटर या फिर उससे भी जो पुराना टेक्नोलॉजी है वो यूज़ किया जाएगा और उसमें डेवलपमेंट किया जाएगा सेमीकंडक्टर का। तो ये सुनने के बाद आप बोल ही सकते हो भैया ये तो बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है, अगर 2022 में देखें तो हम लोग जो सैमसंग है वो अपने तरफ से 3 nm मतलब 3 नैनोमीटर GA मतलब गेट ऑल अराउंड वो ऑलरेडी बना लिया है, तो हम लोग तो बहुत पीछे है। आज के डेट में अगर देखा जाए हम लोग बहुत पीछे है, क्योंकि हम लोग लेट से स्टार्ट किए हैं। अगर हम लोग लेट से स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग पीछे रहेंगे, मगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंसेंटिव स्कीम है इसके वजह से डिफरेंट कंपनीज जो, जैसे कि हम लोग इसराइल का अगर ये टावर ग्रुप को देख ले या फिर ढोलेरा में जो गुजरात का प्लान बन रहा है उसमें अगर हम लोग जो ताइवान का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको देख ले, तो ये सब कंपनी जो है ये धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहा है, इंडिया में आ रहा है। और इंडिया में ये माइक्रोचिप का जो मार्केट है ये काफ़ी बड़ा है, इसके अलावा भी इंडिया में मैन पावर का जो कॉस्टिंग है ये काफ़ी कम है, तो ऑब्वियसली इंडिया का जो लैंड है इसको यूज़ करके आगे जाके ये अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा तो इंडिया धीरे धीरे तरक्की करेगा। हम लोग हो सकता है कि हम लोग देर से स्टार्ट किए मगर एटलीस्ट हम लोग स्टार्ट किए। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो लोग अभी भी बैठे हैं जो लोग को इस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और सिर्फ यही नहीं प्रेजेंटली इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से नेक्स्ट लेवल में भी ट्राई कर रहे हैं। आज के डेट में अगर हम लोग देखें कुछ दिन पहले ही हम लोग के PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंगापुर ट्रैवल किया था, तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है ये भी सेमीकंडक्टर से भी कनेक्टेड है। अगर आपको इस बारे में और भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इस पर अलग सा वीडियो बना दूंगा, और होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा और ऐसी टॉपिक में जानना है के लिए आपको अच्छा लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU SPACE PAUL को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक में डिफरेंट वीडियोज़ आपको मिलेगा, जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुँचता है। ऑन द अदर साइड कोई भी अगर मेरा वीडियो देखता है तो हम लोग का जैसे रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है, और जब भी वीडियो सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़ जो बेल आइकन है उनमें भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है डिफरेंट टाइम में वीडियो आने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप तुरंत वो देख पाएंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। Thank you.